सो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आई एम हेयर विद अनदर व्लॉग, एज यू नो माय नेम इज़ इब्राहिम। तो मैंने फिर जैसा कि हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था PSL की टीम पे रिव्यूज देने का, तो मतलब ये देखें क्रिकेट के एक्सपर्ट ऑलरेडी हमारे साथ बैठे हैं। तो आज जैसा कि हमने कहा था कराची किंग्स पे रिव्यू देंगे अबजर भाई से। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो अच्छा, मैंने मतलब प्लेयर्स के नाम निकाल के रखे हैं। आज हम अबुजर भाई किस टीम पे रिव्यू देने जा रहे हैं? कराची किंग्स, भाई की फेवरेट टीम। भाई कराची किंग्स का सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी हमें ना मतलब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लाजमी बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि भाई को मतलब भाई की पसंदीदा टीम भी देखी है। भाई अपनी टीम की ज़्यादा ही तारीफ करेंगे। असल में हम दोनों की खुंदक है तो आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई न्यूट्रल। हाँ, लेकिन रिव्यू रिव्यू भाई न्यूट्रल देंगे। हाँ, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता लग रहा होगा रिव्यू न्यूट्रल होंगे, लेकिन वैसे ये खुंदक जो है हमारी अपनी है। हाँ, सब टीम हमारी अपनी बेसिकली। अच्छा पुजर भाई, एक मिनट, मैं ना मतलब टीम का रिव्यू स्टार्ट करने से बताऊँ कि ग्वादर स्टेडियम जो हमारा बना है तो उसमें भी मैंने सुना है कि PSL सोच दी है। 25 मार्च को मैच होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची। अच्छा, होगा जी जी, आफ्टर PSL, जब PSL खत्म हो जाएगी। अच्छा, PSL के बाद ना सिर्फ ऐसे ही फ्रेंडली मैच होगा और बाकी किसी टीम का नहीं होगा? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही फ्रेंडली मैच रखा। अच्छा, लेकिन यार ये किस बेस में उन्होंने सिलेक्ट किया? किसी भी टीम को भी तो सिलेक्ट कर सकते थे। बस वो कराची और क्वेटा की जरा थोड़ा लगता है ना करीब करीब, कराची ग्वादर। मतलब ये ग्वादर पोर्ट जो था ये सी पैक का था? जी जी, वहीं पे है सी पैक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टीम का रिव्यू, कराची किंग का रिव्यू। तो पहले हम बात करेंगे प्लैटिनम कैटेगरी का, जिसमें पहला नाम है कोलिन इंग्राम, जो मतलब साउथ अफ्रीका के राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर है। नहीं जी नहीं, राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। नहीं नहीं, कॉल लेफ्ट बेस्ट ऑलराउंडर भी कभी कभी कॉल लेता है। अच्छा, फिर इन्होंने थोड़ा सा, अच्छा चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं कोलिन इंग्राम से जी। ठीक है, कोलिन इंग्राम को इन्होंने लास्ट पिछले साल खेला है कराची की तरफ से, एक बड़ा शानदार शो भी किया था। सही, लास्ट ईयर खेले हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने ट्रेड किया इस दफा एलेक्स हेल्स के साथ। कोलिन इंग्राम हेल्स के साथ, हेल्स पहले पिछले साल भाईजान पड़ गया था, अभी पिछले दिनों मुझे पड़ा था वो। इंग्राम बड़ा प्लेयर है साउथ अफ्रीकन, अभी खेल रहा है करंटली उनमें? करंटली नहीं, उनकी साइड में बस उनकी तो सियासत चल रही है ना अफ्रीका वाली साइड के ऊपर, बहुत ज्यादा तो उनकी प्लेयर्स की जगह ही नहीं बनती। और बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर है, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर कैलस होता था, नहीं कैलस इनको तो जाया नहीं किया, अपनी क्रिकेट खेली है। डुमनी डुमनी इमरान ताहिर पाकिस्तानी नजाज स्पिनर है। चले मोहम्मद आमिर नो डाउट, उसकी आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, लेकिन बड़ा बॉलर है पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर। अच्छा यार, आमिर को आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को इसने खैर बात कह दिया है? बंदे में इतना ऐसी चोट भी तो नहीं होना चाहिए यार। देखिए, इश्यूज हैं ऑब्वियसली, अब जिस तरह मिसबाह वकार आए हैं, उन्होंने सरफराज को थ्रू आउट किया, ठीक है, नो डाउट वो T20 में बाहर नहीं बनता था, जिस तरह 11-12 सीरीज उसने जितवाई हैं, उन्होंने आमिर को थ्रो आउट किया टीम से। अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनो ना, थ्रो आउट करना बनता नहीं था, सरफराज खामोश रहा, अभी भी वो प्लेइंग 11 का ये तो हिस्सा नहीं है, लेकिन टीम का हिस्सा जरूर है, और मैं भी आने वाले टाइम में सरफराज टीम में रहेगा, खेलेगा रिजवान ही, नो डाउट रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है इस टाइम। हालांकि सरफराज की भी परफॉर्मेंस ओके है, उसने आई थिंक रात 81 किया, 40 odd balls, तो खेल वो भी अच्छा रहा, लेकिन जो बंदा टीम में है रिजवान प्लेइंग 11 में बनता है। आमिर ने फिर कहा कि जी ये मेरे खिलाफ है, मिसबाह वकार के खिलाफ बोला, तो फिर बंदा अपने लिए राहें मुश्किल करता है। लेकिन यार एक साइड पे देखा जाए फवाद आलम, अगर फवाद आलम का जिक्र करें, उसने सबर किया। अब आमिर को करना चाहिए था वही मैं हम आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं। एक साइड पे फवाद आलम है, उसने सबर किया और अल्लाह ताला ने उसको सबर का फल दिया है। रिजवान देख लो, रिजवान को हमने अक्सर देखा था सजदे वगैरह मस्जिद में, सारे लोग मतलब वाटर ब्रेक पे थे और वो बंदा अकेला सजदे का, यार अल्लाह ताला सिला देता है। आप लोगों को सबर करना चाहिए, सबर का दामन अल्लाह के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे ना, बेशक जिंदगी को आपके लिए जन्नत बना देगा। बेशक, ये बात तो है, बेशक इसमें कोई। बाबर आजम द ग्रेट द किंग बाबर, बेशक। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा प्लेयर है, कवर ड्राइव यार क्या कमाल की कवर ड्राइव खेलता है। अच्छा यार, लोग कोहली को कंपेयर करते हैं बाबर के साथ, इट्स अर्ली टू से, अर्ली टू से ऑब्वियसली यार, हर बंदे का अपना लेवल है, बहुत जल्दी है उसे कंपेयर करना यार। वो उसने कोहली बहुत बड़ा, कोहली का यार वो कोहली के बारे में क्या कहेंगे आप? तो भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं, नो डाउट बाबर भी बड़ा है, क्योंकि बाबर भी यार कोहली दे के जा रहा है 50 दे के जा रहा है हर ओवर में, 7500 हैं जी। और हाँ, और लेकिन अभी भी अगर देखा जाए रेटिंग बाबर बेहतर है फिर भी, अभी मैं पिछले दिन उनका कंपैरिजन देख रहा था, आई डोंट थिंक सो कि बाबर अभी कहना बाबर को बेहतर है, लेकिन बाबर कंसिस्टेंट बहुत है। बाबर बेसिकली अंडर 19 प्लेयर से इन्होंने उठाया, हां जी बिल्कुल, थ्रू प्रॉपर चैनल आया, अंडर 19 प्लेयर है, उसके 21 के 22 लिस्ट ए सेंचुरीज हैं, बड़ा डोमेस्टिक में स्कोर किया था उसने।
लेकिन यार बाबर को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाना तो अर्ली नहीं है मेरे हिसाब में, नहीं बनाना चाहिए था एक बंदा वर्ल्ड कप तक यार सरफराज को रखना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप एटलीस्ट। सरफराज एटलीस्ट आपको जितवाता रहा 11-12 T20 सीरीज है उसकी बैक पे, और उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी है, 2006 का वर्ल्ड कप है, बड़ा मैटर करता है। और नो डाउट उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन थी, लेकिन अब उसने अपनी परफॉर्मेंस भी कवर अप कर लिया, वो भी आई थिंक सो उसके भी टॉप 3 रन स्कोर। अच्छा अच्छा, व्लॉग के साथ हम आपको बताते चलेंगे, पीछे मतलब जहां बैठे हुए इसके मतलब बिल्कुल पीछे जो था वो मेरा स्कूल हुआ करता था हमारा, उधर याद होगा आपको A1 मॉडल स्कूल। मतलब मैंने ये बात A1 स्कूल की इस वजह से किया क्योंकि हमें पीछे से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रहे हैं, मतलब बचपन में हम यहाँ जा करते थे, 8वीं तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, तो ये एक अचानक की बात निकलाई। चलें बाकी हम स्टार्ट करते हैं डायमंड कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। इमाद वसीम ऑल राउंडर कैप्टन भी है PSL का, सबसे पहले नंबर पे तो सरफराज ही कंसीडर होता है ना बड़ा कप्तान, उसके बाद आई थिंक सो इमाद वसीम सबसे कैप्टन, अच्छा कैप्टन है, अच्छा यार। ये बड़े प्लेयर को देखिए, जैसे लॉर्ड ने हफीज को नहीं कैप्टन बनाया हुआ, इमाद ने बाबर को नहीं बनाया हुआ, और कराची ने, कराची थ्रू प्रॉपर चैनल चला, कराची ने इन्वेस्टमेंट किया है इमाद के ऊपर। हाँ और यार कराची ने अपने अगले 7-8 साल देखे हैं कराची ने इमाद को, इसमें उन्होंने बड़ा अरसा कप्तानी करनी है इमाद ने अभी कराची की तरफ से। अच्छा अगर कोई और खरीद ले इमाद को ऐसा नहीं है, उनके प्लेयर जो उन्होंने प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने लड़का देखा है कि यार इमाद हमारे लिए सूटेबल है, इसी को कप्तान बनाना। आई थिंक सो बाबर को बनाना चाहिए था, लेकिन बाबर हमारा इंटरनेशनल का कैप्टन है, ठीक है, और अपना हमें मिकी ऑथर को भी देना चाहिए क्योंकि मिकी ऑथर ही कोच था उस टाइम पे पाकिस्तानी टीम का। अच्छा डैन क्रिश्चियन की बात हो रही है, अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, 37 इयर्स ऑफ एज है। मोहम्मद नबी डायमंड कैटेगरी ऑलराउंडर, एक मैन की आपको बता दूं, ऑलराउंडर राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर है, बहुत जबरदस्त। अफगानिस्तान का कैप्टन है, अभी कैप्टन है ये? कैप्टन नहीं है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का आई थिंक सो राशिद खान कैप्टन है। अगर राशिद स्पिन बॉलिंग के ऊपर बात हो ना, जिस तरह पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स रूल करते हैं, इंडियन बैट्समैन रूल करते हैं, कि अगर फास्ट बॉलर्स का जिक्र होता है तो पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंडियन बैट्समैन का जिक्र होता है तो इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी तरह अगर स्पिनर्स है ना, इस मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान के पास सही है वो टॉप क्लास राशिद खान मुझे। अच्छा यार ये देखा जाए, इनका क्रेडिट तो इनको नहीं जाता, पाकिस्तानी इंजमामुल हक क्लैन मुश्ताक ने किया इनको, नहीं पाकिस्तानी डोमेस्टिक खेलते रहे हैं जी, ये आपके 10-12 साल 15 साल पहले जाए ना, तो ये हमारा मतलब पाकिस्तानी ट्रॉफी होती है, मतलब क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है, पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे शहजाद, बहुत से प्लेयर। अच्छा गोल्ड कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं, उसमें पहला नाम आता है शर्जील खान का, शर्जील खान एक्सक्लूसिव बैट्समैन। अच्छा यार शर्जील खान बेशक वो बैट्समैन, अब आपको क्या लगता है कि ऐसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए, जो नहीं जो मतलब अपने मुल्क के साथ गद्दारी, जब एक सिस्टम सेट हो गया ना PCB की तरफ से, ठीक है, जब वो एक बंदे को मौका दे रहे हैं, अगर आप ये कहें कि आमिर को मौका मिल गया इसको नहीं मिला, ये ज्यादती वाली बात है, ठीक है, जैसा प्लेयर आमिर था वैसे ही बट था, आसिफ उससे भी बड़ा बॉलर था, आसिफ तो भाई लेजेंड बॉलर, लेजेंड बॉलर, लेकिन आसिफ नशा वगैरह नहीं करता, जो मर्जी करता, लेकिन था वो उसकी पर्सनल, वो उसकी पर्सनल, इसलिए इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन सबको जब मौका मिल रहा है तो नो व्हाई नॉट। चांडविक वाल्टन आए हाय राइट हैंडेड बैट्समैन, क्या शॉट है यार, क्या शॉट मारता है जो क्लार्क ने। अच्छा वो भी विकेट कीपर है, बहुत जबरदस्त, उसने एक्सप्लोसिव बैटिंग की है कोयटा के अगेंस्ट, लेकिन वाल्टन को मौका देना चाहिए, बहुत बड़ा हिटर है वाल्टन की, अपनी टीम स्ट्रेटजी वेस्ट इंडीज का जेड़ा भी होएगा बैट्समैन होता है यार, बहुत बड़ा हिटर होता है हर बैट्समैन उसकी यार, T10 में उसको कौन है, वो सिमर है कौन है उसने जिसने मारा है T10 लीग में लास्ट ईयर हुई है, लास्ट स्टैंडर्ड बैट्समैन है निकोलस पोरन है, ओए होए होए क्या उसने भाई धोया पकड़ के, वकास मकसूद की, हाँ रदरफोर्ड ने, वकास मकसूद ब्रांड एम्बेसडर भी है ये सिल्वर कैटेगरी में, बहुत अच्छा बॉलर है। अच्छा ये T20 खेला, हाँ जी पाकिस्तान से एक मैच खेला हुआ है, वकास मकसूद 2 आउट किए थे इसने आई थिंक सो इन दुबई, सरफराज की कप्तानी में ही खेला है ये, अच्छा अच्छा, लेकिन ये अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी स्लोर बन जाए, स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा जॉय क्लार्क, जैसे जॉय क्लार्क अच्छा विकेट, अच्छा विकेट कीपर भी है, ये कहाँ गया ये आई थिंक सो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का आई थिंक सो, सही हो गया। जॉय क्लार्क से मुझे माइकल क्लार्क की याद आ गया, कितना बड़ा प्लेयर था यार, लेजेंडरी, हम मतलब छोटे होते देखते नहीं हैं इनको, लेजेंडरी प्लेयर्स। अच्छा आगे आते हैं जीशान मलिक राइट हैंडेड बैट्समैन, ये भी मतलब अच्छा इमर्जिंग कैटेगरी, हाँ जी बिल्कुल इमर्जिंग कैटेगरी, इसके बारे में इतना पता नहीं, राइट हैंडेड बैट्समैन है ये,
अगर दानिश अजीज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये जबरदस्त लेफ्ट हैंडेड सिंध का लड़का है ये, इसने आई थिंक 101 ओवर के अंदर 19 चेज किया था, हमारा नेशनल T20 कप हुआ था लास्ट वीक, बहुत अच्छा फ्यूचर है आप कह लें कि खेलते हैं, करंटली खेल रहे हैं, करंटली टूर कर चुका है लेकिन डेब्यू नहीं हुआ इसका अभी तक, कराची किंग्स में नहीं, कराची किंग्स में ये भी खेलेगा लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है जी, ये पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा। अच्छा मोहम्मद इलियास जो है बहुत अच्छा इमर्जिंग बॉलर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ये पहले खेला तो था यार की तरफ से खेलता रहा, दो तीन तीन सीजन खेला ठीक है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है। ये ट्रेड हुई है इसकी भाई? इसकी ट्रेड नहीं है, बस कराची ने पिक कर लिया है इसे, और बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब फ्यूचर कह लें आप पाकिस्तान का, बड़ी अच्छी स्पीड है, तीखा बॉलर है, 140-145 कर लेता है बॉल। अगर इमर्जिंग में अगर बात की जाए तो अर्शद इकबाल, राइट आर्म फास्ट, मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर तो इतना शाइन नहीं कर सका, इस साल पर लीडिंग विकेट टेकर है, 4-5 विकेट हैं उसकी अभी तक टूर्नामेंट के अंदर। यार एक्शन कैसा है उसका, मुझे उसका एक्शन ठीक है, असल मकसद है अच्छी परफॉर्मेंस, और यार लेकिन एक्शन का भी तो डिपेंड करता है, अंडर है वसीम अकरम पॉलिश कर रहे हैं माहिर है वसीम। अच्छा दूसरा क्या कौन है इनका कोच? एक वसीम अकरम ही है इनका हेड कोच। अच्छा हेड कोच सही हो गया, हर्षल गिब्स है। हाँ कोचिज का बड़ा फर्क, हर्षल गिब्स ही अफ्रीका का, अफ्रीकन हाँ, सही हो गया। याद उसकी बड़ी इनिंग आपको याद हो गया, 175 किया था उसने अगेंस्ट 434 चेस करते पाकिस्तान के, हाँ उनसे मुझे याद है, नज़र मोहम्मद साहब होते थे पाकिस्तान के, नज़र मोहम्मद ऐसे वो नज़र मोहम्मद जिन्होंने 1954 के वो प्लेयर हैं नज़र मोहम्मद, उसके बाद मुदस्सिर उनके मतलब बेटे वगैरह, बहुत बड़े नाम है यार, मतलब उस टाइम तो हमारे बड़े भी नहीं पैदा हुए होंगे जब से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा कैस अकरम, कासिम अकरम, कासिम अकरम ये अंडर 19 पिक है, ऑफ स्पिनर है विद बैट्समैन, बड़ा ये लाहौर और कलंदर की ना एक बात मुझे अच्छी लगती है, लाहौर और कराची की दोनों टीम्स की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यार ये लोग ना इमर्जिंग प्लेयर्स को मौका देते हैं, बाप बाकी टीम्स देख लें, सुल्तान देख लें, इन्होंने हमेशा बड़े बड़े प्लेयर उठाए हैं, जलमी का देख लें, जलमी भी ने भी लास्ट जो चेस किया, हैदर अली यार क्या बैट है, हैदर अली के बारे में हम उस बंदे के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन कल जो उसने छक्के मारे हैं ना, उठा उठा के उस बंदे ने बाहर मारा, नहीं वो अपनी नेचुरल गेम करता है अभी, मतलब कि जो उसकी गेम है ना उसने आना मार धाड़ करनी है, वो अभी उसको बहुत बहुत जैसे यार अफरीदी जैसा पाकिस्तान को ना एक प्लेयर चाहिए, नहीं नहीं अफरीदी जैसा बनने में बड़ा टाइम लगेगा जी, क्योंकि यार अफरीदी बेशक लोग कह रहे हैं जीरो करते हैं वो है, लेकिन यार अफरीदी का एक वो डर होता है कि भाईजान आपको भी हौसला मिलता है कि मतलब अफरीदी है भाई, जितना भी स्कोर पड़ा अफरीदी है, अभी कुछ भी हो सकता है, अफरीदी इंडिया का तो दो छक्के नहीं भूलते होंगे, किसने अफरीदी नहीं मारे थे, बिल्कुल। अच्छा आप सप्लीमेंट्री में अगर बात की जाए तो नूर अहमद, नहीं मुझे इतना खास नहीं पता, मतलब सप्लीमेंट्री एक कैटेगरी का बंदा है नूर अहमद, डैन क्रिस्टियन और मोहम्मद नबी, सही हो गया नूर अहमद यार, मतलब अब ये जो है ना इमर्जिंग कैटेगरीज के मतलब ये बॉलर्स हैं, इन सबको मुझे लगता है कि, अच्छा आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है किस बेस पर सिलेक्ट करती है, मतलब इतने प्लेयर हैं रोज इतना परफॉर्म करते हैं, जो करंटली परफॉर्मेंस देखी जाती है ठीक है, लास्टली ये नहीं है कि मतलब कि जिसने पहले परफॉर्म किया वो खेलेगा, जो करंटली परफॉर्म अच्छा कर रहा है वो खेलेगा। अच्छा चले आप कराची किंग्स से हट गए, हम बात कर ले मिसबा की और उसकी मतलब मिसबा और मिसबा को आपको लगता है इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के? नहीं मिसबा तो आई फील के मेरे हिसाब में अच्छा डिसीजन नहीं था, बाकी पीसीबी को बेहतर पता, मिसबा टू अर्ली यार, बहुत अर्ली, अल्लाह के बंदे वो अभी रिटायर हुआ है नहीं है, लेकिन वकार यूनुस का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, वो जब भी आया है उसने टीम को खराब ही किया, कभी किसी लड़के को बाहर निकाल देता है, अब अहमद शहजाद इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्लेयर बहुत जायक, अहमद शहजाद देख लो यार कितना स्ट्रांग है, उमर अकमल दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर थे, खराब कर दिया और अब ये पिक भी नहीं होते पीएसएल की टीम में, उमर अकमल मुझे बहुत पसंद था क्योंकि उमर अकमल टॉप स्कोरर था पीएसएल वन का, मुझे आज भी याद है टॉप स्कोरर उसने मारा था, 4 6 आई थिंक सो किए थे उमर गुल से, आए हाय क्या लेजेंडरी बॉलर था यार उसके, यार कर बहुत बड़े बड़े नाम, अब्दुल रजाक हो गया, अब्दुल रजाक कहाँ का कोच है आजकल? कोयटा के साथ है। अच्छा कोयटा के साथ है, सही हो गया। चलो हम मुईन खान और आजम खान की भी बात करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोयटा में बात करेंगे, आजम खान मुईन खान का बेटा जी बिल्कुल सही हो गया, तो हम इंशाल्लाह उसकी उनकी बात करेंगे, मतलब जब हम कोयटा की टीम का रिव्यू करेंगे तो फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। अच्छा मतलब अब आपको क्या लगता है कि क्या पीसीबी को क्या चीज़ इंप्रूव करने की जरूरत है? पीसीबी खुद बहुत सियाणा, खुद ही इंप्रूव कर लेगा हमारे। अच्छा नहीं ये, लेकिन फिर भी यार एज अ पाकिस्तानी हमारे टैक्स के, हमारा टैक्स चलता है तो ये लोग दंगाए यार, अच्छी हमारे, हमें प्लेयर्स अच्छे मिल गए, आप रिजवान देख लें, बाबर देख लें, रिजवान ने टाइम लिया है, हर प्लेयर टाइम लेता है, अब आप देखो ना कोई मतलब कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसको निकाल देते हैं आप टीम से, पर यार फवाद आलम का जिक्र मैं इस वीडियो में भी करूंगा यार, क्या क्लास है उस, आपको क्या लगता है फवाद आलम को जाया करने के पीछे बेसिकली हाथ किसका है? जितने हेड कोचेस जितनी सिलेक्शन कमेटी नहीं यार, अब आपको एक चीज नजर आ रही है प्लेयर अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, फिर मतलब जान के आप उस बंदे को इग्नोर करें यार, आप उस टाइम पे भी तो देखो ना
अब उस टाइम के ऊपर इन्होंने डेवलप किया अजहर अली और असद शफीक, असद शफीक इज नाउ ड्रॉप्ड फ्रॉम द साइड, ठीक है। असद शफीक को तो यार कह रहे थे कैप्टन बना रहे हैं पाकिस्तान, नहीं जी नहीं, इतना अच्छा प्लेयर है लेकिन बस हम क्या कहें। लेकिन आप ये देखें ना कि उस टाइम के ऊपर टीम में बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल ऐसे था, कंपटीशन था, यूनस था। हाँ, यूनस अब आपको सिंपली सी बात है, अब हमारे पास इतनी लंबी बॉलिंग लाइन अजहर, अजहर और उसके बारे में भी ये कहा जाता था, अजहर और असद के बारे में कहा जाता है कि मिसबा और यूनस का पाकिस्तान को मिल गया। आई थिंक 6,500 रनजे होती है जी, अजहर है अभी उसका 2-4 साल और अच्छे लगेंगे तो वो 8,000 रनजे कर देगा बड़े प्लेयर्स में। अच्छा अजहर के आजाद बाड़ा मुझे लाहौर की तरफ से भी खेला, लाहौर की तरफ से भी खेला और चैंपियंस ट्रॉफी में इसका बड़ा की रोल था, इसके 2-3 50 थे चैंपियन। हाँ अच्छा वो फखर जमान के साथ भी इसका 50 था फाइनल में, फाइनल भाईजान इंडिया का वो तो नहीं कभी भूलता होगा। लेकिन यार हमारा बेसिकली मतलब किसी को हेड फिलाना नहीं है, पर टैलेंट जहाँ भी होगा क्रिकेट का टैलेंट मतलब ये नहीं कि यार हम इधर आए हैं, मतलब जो दोनों मुल्कों की सियासत है ना वो हमारे आपस के मामला। अब आप अक्सर यूट्यूब पर रिव्यूज देख रहते हैं, प्रैंक देखते रहते हैं, इंडिया के मतलब लोग इधर आते हैं तो लोग यार अच्छा ट्रीट करते हैं उनको। अब ये हमारी आपस की सियासतदान है जो आपस में लड़ाते रहते हैं लोगों को। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर अब आपको वही मैं बात करूंगा कि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों का बनता है, और साथ अमल करें, एसओपीज पे अमल करें भाई, मास्क लगाए अगर आप कैमरा चाहिए। इस भाई ने वैसे आपस की बात बताऊं आगे पीछे मास्क कोई नहीं लाता, सिर्फ कैमरा चाहिए ना मैं मान तू। अच्छा तू जान के मास्क लगाया तूने, कैमरे के सामने नहीं है बंदा आना चाह रहा था इसने तब मास्क लगाया। अच्छा और अब जोर की नमाज का टाइम भी हो रहा, हम आपको ही सजेस्ट करेंगे यार अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको 5 वक्त की नमाज भी लाजमी पढ़नी चाहिए। तो अगर हम इंशाल्लाह जोर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम होगा तो फिर हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। फिर मतलब यार देखो मेरे वीडियो से मेजा तो मतलब ही नज़र आंदा है। तो यार कोई नहीं, बेला बिला हो गया भाई दी वालों, मतलब कोई नहीं यार, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जड़ी हैं ना तुम इग्नोर कर दिया करो तो इंशाल्लाह फिर इंप्रूव होगा और हम आपको बहुत ही मज़े के अबू सर भाई बहुत मज़ा आने वाला आगे। और हम दोनों भाई भी हम माशाल्लाह से सातवें सेमेस्टर में, हम दोनों के लिए आप लोग दुआ भी कर दीजिएगा। आप तो बल्कि अबू सर भाई कितने पेपर रह गए, शायद एक रह गया। हाँ तो फिर इंशाल्लाह भाई भी फिर 8वें में प्रमोट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं इस तरह की किसी नई टीम के रिव्यू के साथ। आपको मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप किसी टीम का पहले रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।